श्रीमती लवनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में शिवहर की महान जनता के द्वारा चुनकर आई हूँ और मैं यहाँ से शिवहर की महान जनता को आभार व्यक्त करती हूँ, उनके प्रति धन्यवाद देती हूँ। समाजवादी के उनके लोग, ये हमारा दूसरा टर्म है अध्यक्ष जी। दूसरी बार अध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए मैं आपको हृदय की गहराई से बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए खड़ी हूँ। कामना करती हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश दीन दूनी रात चुगुनी तरक्की करे। अध्यक्ष जी, मेरा परिवार स्वतंत्र सेनानी परिवार रहा है। आनंद मोहन जी के दादाजी स्वर्गीय राम बहादुर बाबू, जिन्हें कोसी का लोग गांधी कहते थे, और मेरे दादाजी स्वर्गीय रामेश्वर बाबू, दोनों स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में साथ थे। इस देश में आज़ादी और लोकतंत्र की स्थापना में जब हमारे पुरखों का बड़ा योगदान रहा है, परंतु खेद है कि आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ठीक आज से 50 साल पहले 5 जून 1975 में एक काली अंधेरी रात को, जो यहाँ की उस समय में हिटलर की उपाधि दी जाती थी, यहाँ इंदिरा जी के जो हिटलर शाही था, उस तर्ज पर इमरजेंसी थोप दी गई। इमरजेंसी के चरणों ने सीमित तानाशाही की वकालत की। चरणों ने, किसी ने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राज नारायण, मधुलीमय, चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, नीतीश कुमार जी, ललन जी, आनंद मोहन जी जैसे लाखों लोगों को, यहाँ तक कि उस समय लालू जी भी थे, लाखों लोगों को जेल के सलाखों में डाल दिए गए। पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। न्यायपालिका पर पहरा बिछा दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई। संविधान के साथ अनेकों छेड़खानियाँ की गई। 3 वर्ष की कठिन लड़ाई, हजारों को लाठी गोली, जेल, मौत को वरन, लाखों लोगों को जेलों में अपनी जवानियां गंवाने के बाद देश उस खौफनाक मंजर से बाहर निकला। नाम परा दूसरी आज़ादी। लेकिन आश्चर्य है कि जिन लोगों ने देश को कैद खाने में तब्दील कर दिया, लोकतंत्र का गला घोटा, प्रेस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनी, संविधान को बूटों तले रौंदा, वही चुनाव में चिल्लाते रहे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस तरह से हमने देखा, संविधान का मजाक उड़ाते हुए, संविधान की कॉपी हाथ में रखकर शपथ लेते रहे। अध्यक्ष जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मिला यह जनादेश आज़ादी, न्यायपालिका और प्रेस की आज़ादी को हम हर कीमत पर अक्षुण रखने का, देश को संबल, समृद्ध और श्रेष्ठ बनाने का, महिलाओं को शक्ति संपन्न, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का, चोरों लुटेरों बेईमानों से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का है। प्रधानमंत्री जी इस दिशा में मजबूती से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया और महिला सशक्तिकरण के लिए, उसी तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया। इस तरह से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया, पूरा देश उनके साथ। अभी आज प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता है। और दिनकर जी ने कभी कहा था, सेनानी करो प्रयास अभय,
सारा इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अभा के बूझते ही सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। बहुत बहुत मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ, कृपया समाप्त करें, मांग करती हूँ कि मैं माता सीता की प्राकट्य भूमि पुनौरा धाम में जमीन अधिग्रहण और सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 72 करोड़ और 47 लाख रुपए के आवंटन और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपया प्रदान करने के लिए शिवहर सीतामढ़ी सहित सभी मिथिलावासियों की तरफ से कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूं। मैं आपके माध्यम से पुरजोर मांग करती हूं, शिवहर को रेल मार्ग से जोड़ने और बरसों से बंद पड़े रीगा चीनी मिल को चालू कराने, छोटा जिला त्वरित विकास के तर्ज पर ढाका को जिला बनाने, कृपया इस पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। अंतिम में मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि अयोध्या सीतामढ़ी जनकपुर की बीच स्पेशल कॉरिडोर बनाकर श्रद्धालुओं को यातायात सुगम किया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की स्थिर प्रतीक्षित मांग है कि बंटवारे के बाद जब बिहार और झारखंड बटा है तो बिहार में बहुत सारे ये हो गया है, संसाधन की कमी हो गई है, तो हमारा जो पार्टी का पुराना मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मैं पुरजोर मांग करती हूं। और फिर से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैं अनुमोदन करते हुए आपने जो हमें समय दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय शिवहर। बहुत बहुत